आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी से मैं सैयद अफरोज। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस के दलित कायदीन की जानिब से गांधी भवन में 2 दिन का दीक्षा किया जा रहा है। तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर ने जो संविधान को बदलाव करने का जो बात किया है उसको लेके दलित कांग्रेस के नेतृत्व में हम यहाँ पे 2 दिन का दीक्षा कर रहे हैं। ये दीक्षा नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री को कि अगर आप 48 आवर्स में अगर आप पूरा समाज को अगर आप क्षमापन नहीं मांगेंगे तो हम और लड़ेंगे, तुमको सरकार से नीचे उतारने तक हम पूरा लड़ते रहेंगे, जब तक ये सरकार नहीं बदलेगा तब तक हमारे पूरा ये आंदोलन आगे चलते रहेगा। मुख्यमंत्री जो केसीआर है पिछला 8 साल से दलितों को अलग अलग बातों से हर एक वक्त हम लोगों को झूठ बोलते हुए आए हैं। रिसेंटली हुजूराबाद के चुनाव में भी देखे तो दलित बंधु का नाम से भी हमको उसने बहुत दगा किया है। अभी हम दगा होने वाले से नहीं है, संविधान के पास आएंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर के पास आएंगे तो दलित कांग्रेस हम चुप बैठने वाले नहीं है। कांग्रेस के तहत पूरा 33 डिस्ट्रिक्ट में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। ये 2 दिन का दीक्षा है, कल शाम तक खत्म होगा, पर यह दीक्षा नहीं है, ये एक अल्टीमेटम है मुख्यमंत्री को। ये अल्टीमेटम है कि आप बेशरत माफी मांगना है। आप 125 हाइट का हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर का एक मूर्ति लगाते बोले, पर जो पंचकुट्टा में हम लोग एक मूर्ति लगा लिए उसको आप डंपिंग यार्ड में आपने भेजा है। तो हम ये डिमांड करते हैं कि आपने हम लोगों को इतना दगा करते हुए आए हैं तो हम आपको ये अल्टीमेटम दे रहे हैं। मैं दीक्षा कर रहा हूँ इसलिए कि पूरे देश में जो भी हमारे दलित संघ है सारे एक जगह आना है, एकजुट होना है और इसके ऊपर हमको लड़ना बहुत ज़रूरत है, उसके लिए मैं दीक्षा कर रहा हूँ। मैं बोला ना संविधान जो इसने बदलाव करने का बात किया है, जो आदमी 2 बार डिग्री फेल हुआ वो आदमी बोलता है कि संविधान को, ये केवल संविधान के लिए मैं बोल रहा हूँ, संविधान जो इसने चेंज करने का बात किया है वो संविधान चेंज करने का बात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर हम लड़ रहे हैं। जो आदमी 2 बार डिग्री फेल हुआ वो क्या संविधान चेंज करेगा? संविधान का मतलब इसका ये क्या कि हर एक गांव-गांव में आपने वाइन शॉप लगाया है तो संविधान ये होता है क्या कि लोगों को बिठाओ पिलाओ और उन लोगों को मराओ? ये नहीं होता है। तो इसलिए हम जो संविधान के पास आएगा किसी को भी हम छोड़ने वाले नहीं। कल आ रहे पीसीसी प्रेसिडेंट, कल आ रहे। वो मेरा व्यू क्या है, पीसीसी प्रेसिडेंट दलितों के साथ है, दलितों के साथ है पीसीसी प्रेसिडेंट, इसलिए दलित गिरजनात्मक और दंडोरा हमने हर एक जगह लाखों संख्या में लोग आए हैं हमारे पास और इतना अच्छा प्रोग्राम्स हुए हैं। दलितों के हित कांग्रेस पार्टी आज नहीं, पुराने सालों से आ रहा है। दलितों के साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस के साथ दलित है, ठीक है। मेरा नाम प्रीतम है, मैं चेयरमैन हूँ एसी डिपार्टमेंट का, ठीक है। तरह के लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।